पृथ्वीराज फिल्म रिलीज हुई तो भाइयों उससे पहले ही ये प्रज्ञा मिश्रा जैसे क्षत्रिय विरोधी लोगों द्वारा प्रोपगंडा फैलाना शुरू हो गया है। तो भाइयों ये बता रही है कि गुजरात के जो राजा थे, जिसको पृथ्वीराज चौहान का मेंशन कर रही है कि गुजरात के राजा थे, तो सबसे पहले तो इसने गुजरात का ही गलत बताया कि वो गुजरात के नहीं थे, वो अजमेर के राजा थे। गुजरात में सोलंकी राजपूतों के घर उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन वो राजस्थान के अजमेर के राजा थे। ठीक है, पहले तो जे तुम दिमाग में अपने खोपड़े में डाले, ठीक है। दूसरी तू बात करिए कि बुंदेलखंड के जो आला दल थे उन्होंने उनको हराया था। ठीक है, बुंदेलखंड में राजपूत राजा परमाल चंदेल का राज था। चंदेल कौन होते हैं? राजपूत होते हैं। जे मैप देख, हर जगह राजपूतों का राज था। राजपूतों की आपस में लड़ाई हो रही थी पृथ्वीराज चौहान की, वो चाहे राजा जयचंद से बाकी वालों से भी अपने अपनी लड़ाई थी, लेकिन राजा जयचंद हो या किसी ने भी गद्दारी नहीं की थी, गोरी का साथ नहीं दिया था। राजा परमल चंदेल के लिए दो राजपूत सैनिक थे, जो उनके अलाउद्दल के जो पिता थे वो राजा परमल चंदेल जो कि एक राजपूत राजा थे, उनके वो सैनिक थे, सेनापति थे, उन्हीं सेनापति के बेटे थे अलाउद्दल। मतलब कि वो राजा परमल चंदेल के दो पैदल सैनिक थे, वो भी बनाफर राजपूत थे, चंदेल राजपूतों की शाखा है बनाफर राजपूत। उन्होंने हमारे राजपूत योद्धाओं में ही जन्म लिया, हमारे राजपूत राजा के वो दो सेनापति थे। ठीक है, तो उसकी बात करिए, हमारे राजा धीर सिंह पुंडीर जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के साथ युद्ध लड़ा, उनके बारे में नहीं इतना बताया गया। और पृथ्वीराज फिल्म में केवल शुरू में राजपुत्र शब्द, बीच में क्षत्रिय धर्म और ठाकुर बाबा दो तीन बार बोला गया। पूरी तरह राजपूतों पर डायलॉग नहीं बोले गए, कुछ कुछ जगह शब्द बोले गए। जो उदल था, जब पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया उनकी सेना को, तो आला ने युद्ध लड़ा और बहुत बुरी तरह से उन्होंने परास्त करना शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने गोरखनाथ के कहने पर उनको जीवन दान दे दिया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने चंदेल राज्यों से भी अपना राज्य जीत लिया, बहुत सारा फैल गया था। तो तू पहले अपना दिमाग खोपड़े में डाले कि गुजरात में सोलंकी राजपूतों का राज था, ठीक है, अजमेर के राजा थे, पालन पोषण उनका गुजरात में हुआ, लेकिन वो राजा कहाँ थे? अजमेर के थे। गुजरात में सोलंकी राजपूतों का राज था। तू क्या वो करेगी? तू हमेशा हट, कभी ठाकुरवाद पर गलत टिप्पणी करते, कभी कुछ करती है। पहले दिमाग में खोपड़े में डाल, पहले आप अच्छे से इतिहास जान कि राजा परमल चंदेल कौन थे और आला उदल उनके दो सैनिक थे।